Good morning students. Again today I am back with my videos and today we will start lesson number 5. Lesson number 5 शुरू करने के पीछे एक बहुत ही important reason है students. The reason behind this is कि मैं फिर से आपको revise करवा रहा हूँ और revise करवाने के बाद हम फिर से हमारे portion को continue करते हुए lesson number 6 को समझेंगे और हमारा geometry जो portion है उसे complete करेंगे. ये जो lesson students है lesson number 5 कौन सा है ये है आपका लाइंस एंड एंगल्स. ओके तो लाइंस एंड एंगल्स जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है क्योंकि इसे समझने के बाद जब तक इसका आपको आइडिया नहीं होगा तब तक आप लेसन नंबर 6 को नहीं समझ पाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस. तो पहला हमारा जो है वो है हमारा नोट्स. ओके सो एज यू कैन सी मैं भी आपके सामने लिख रहा हूँ. ओके तो इसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है दैट व्हाट इज एंगल्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स डू वी विल स्टडी. तो एंगल्स अगर आपको समझना है तो आपने कभी अपना अगर प्रोटेक्टर देखा है आपने कभी टेक्स्ट बुक में एंगल्स का लेसन आपने जब खोला था रिमेंबर याद करो एक बार आपने क्या देखा था. उसमें आपने देखा था कि एक्यूट एंगल क्या होते हैं ऑब्ट्यूज क्या होते हैं राइट क्या होते हैं स्ट्रेट एंगल्स क्या होते हैं और रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं. ओके रिफ्लेक्स एंगल है स्ट्रेट है राइट है ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट. ओके इसे हम थोड़ा सा अभी और थरोली पढ़ते हैं. ओके सो लेट मी राइट एंगल्स राइट एंगल्स. तो अभी एंगल्स में हम पढ़ते हैं उसके टाइप्स को. तो पहला है एक्यूट दूसरा है ऑब्ट्यूस तीसरा है राइज्ड फोर्थ वन इज स्ट्रेट एंगल एंड द लास्ट वन इज ओके रिफ्लेक्स. नाउ एक्यूट तो जो एक्यूट एंगल हैं स्टूडेंट्स हमेशा सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है इनका मेजर क्या है. तो कैसे मालूम पड़ेगा आई विल एक्सप्लेन यू. एक्यूट एंगल जो है वो हमेशा लेस देन 90 डिग्री यानी कि एक्यूट एंगल हम उस एंगल को कहते हैं जिसका मेजर जब उसे मेजर करोगे तो 90 डिग्री से कम होगा. गेटिंग माय पॉइंट. यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा एंगल है जिसके ऊपर अगर आप रखते हो प्रोजेक्टर और वो 90 से कम है दैट मीन्स कि वो एक्यूट है. अब ये समझने के बाद हम समझते हैं ऑब्ट्यूस क्या होता है. इसका जस्ट मोर देन 90 डिग्री यानी कि ऑब्ट्यूस वो एंगल्स होते हैं जो कि जिनका मेजर 90 डिग्री से ज्यादा होता है. ओके और फिर नेक्स्ट है राइट एंगल. तो राइट एंगल क्या होते हैं राइट एंगल और कुछ नहीं ये होते हैं इक्वल टू 90 डिग्री यानी कि ये जो एंगल्स होते हैं ये राइट ये हमें 90 डिग्री पर मिलते हैं यानी कि इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस तो हम इस एंगल को क्या बोलते हैं 90 डिग्री बोलते हैं स्टूडेंट्स. राइट एंगल फॉर्म हो रहा है तो राइट एंगल क्या हो गया आपका राइट एंगल होता है 90 डिग्री यानी कि जब कोई भी एंगल पर आप अपना रखते हो प्रोटेक्टर और उसका मेजर अगर 90 डिग्री आता है तो वो क्या हो गया वो हो जाएगा आपका राइट एंगल. फिर बढ़ते हैं स्ट्रेट एंगल की ओर. तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है स्ट्रेट एंगल एक लाइन आप कह सकते हो इस तरीके का लाइन उस पर बनने वाला ऐसा कुछ एंगल इसे आप कहते हो 180 डिग्री. आप अगर अपना प्रोटेक्टर स्टूडेंट्स अगर आपके पास अभी प्रोटेक्टर अगर अवेलेबल है जस्ट ब्रिंग इट आउट निकालो और देखो कि उसमें 180 डिग्री कहाँ पर है उसमें 90 कहाँ पर है 90 से कम कहाँ पर है. ओके और स्ट्रेट जैसे कि मैंने आपको कहा था स्ट्रेट का क्या है ये
equal to 180 degree। अब हम समझते हैं रिफ्लेक्स को। तो रिफ्लेक्स मोर देन क्या है? रिफ्लेक्स इज मोर देन 180 degree। दोज आर रिफ्लेक्स एंगल्स। ओके, अब आपके इस लेसन में, कौन से लेसन में? लेसन नंबर 5 में आपको इन्हीं के पेयर्स बना करके, मतलब इन्हीं के सम को मिला करके अलग अलग आपको एंगल्स के बारे में नॉलेज दिया गया है। ओके, सो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हम इसे नाम देते हैं, हम इसे कहते हैं रिलेटेड एंगल, यानी कि इनसे ही रिलेटेड है। क्या है? इनसे ही रिलेटेड एंगल्स, यानी कि इनके सम को मिला करके हम इनसे रिलेटेड एक एंगल्स बनाते हैं। चलो अभी हम उसको शुरू करते हैं पढ़ना, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है स्टूडेंट्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप दो एंगल्स का सम करते हो, यानी कि उसे ऐड करते हो सम को, मतलब कि जब भी फॉर एग्जांपल ये हो गया 30 डिग्री प्लस एक आप मान लो, स्टूडेंट्स एक रफ ड्राइंग कर रहा हूं मैं, ओके, जस्ट फॉर योर, जस्ट आपको समझने के लिए कि एक ये एग्जांपल है ताकि आप इसे समझ सको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, हमने दो एंगल्स बनाए हैं, ट्राइंगल, ओके, एंगल्स बनाए हैं, कौन से कौन से? एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री। अब हम इसे ऐड करते हैं, क्या मिलेगा हमें आंसर? 30 प्लस 60, गुड, क्या है हमारा? 90 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट? क्या हो गया? 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं, अब उसको समझ लो, इफ द सम ऑफ द एंगल्स आर नॉट मोर देन द 90 degree, then it is said to be complementary angles। यानी कि जब भी angles का जो sum है, दो angle का sum है, वो 90 degree से ज़्यादा नहीं है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 90 डिग्री तक भी अगर होगा इट्स ओके, लेकिन 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम उन दो पैर, जो पैर ऑफ एंगल्स है, उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री ये समझने के बाद अब हम एक इसका एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें टेक्स्ट बुक में कैसे सम दिए जाते हैं। अब टेक्स्ट बुक में हमें सम मिलते हैं, तो हमें एक्सरसाइज में कैसे सम मिलते हैं स्टूडेंट्स? कि आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि ओके, चलो हम देखते हैं, एग्जांपल से ले लेते हैं फटाफट, कि भाई आपको कोई एक एंगल है कि भाई एंगल ए है इज इक्वल्स टू, यानी कि आप मान लो ये वाला आपको दिया है, तो ये एंगल ए कितना है? वो है 50 डिग्री, और जो एंगल बी है उसके जगह पे आपको नहीं दिया गया है, वो आपको बोला गया है कंसीडर इट एज एक्स डिग्री। ओके, तो ये आपका एक्स हो गया। अब इसके बाद उस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि ये एक ऐसा पैर है जो कि मिल करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है?
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है उसका जितना सम होता है वो इनका आंसर है. ओके, मतलब यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. अब कहा गया है कि आपको फाइंड करना है एक्स को. आपको दिया क्या गया है, ये और ये. अब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, तो हम करेंगे कुछ ऐसे, 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या सम होता है स्टूडेंट्स, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, जिनका सम 90 होता है. ओके, तो अब 90 आपके पास है, 50 है, तो इसे सॉल्व कैसे करोगे, ये यहाँ पर पॉजिटिव है, इसे हम यहाँ से 90 की तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल एच एस आर एच एस, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 50. तो जब 90 में से 50 निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको स्टूडेंट्स, 40 डिग्री. यानी कि जो x है उसकी वैल्यू कितनी है, सो द x इज इक्वल्स टू 40 डिग्री. सिंपल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप फाइंड कर सकते हो इजीली. ओके, अब ओके स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो ऑलरेडी 11 मिनट से ज़्यादा हो चुका है. ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखें. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें. उस रीज़न बिहाइंड दिस इज कि ये जो है ये बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है लेसन नंबर 5 का. इसे समझने के बाद क्या होगा, समझने के बाद आप 6 लेसन में प्रॉपरली ध्यान लगा करके और थरोली पढ़ पाओगे. ओके, ये आपका बेस है. इफ़ इट इज़ पॉसिबल इसे 2-3 बार देखें. नाउ आफ्टर डूइंग दैट वी विल मूव ऑन, विल मूव ऑन सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स, आपने टेक्स्ट बुक में इसे पढ़ा है. ओके, लेकिन हम इसे रिवाइज करते हैं. तो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है व्हेन द सम ऑफ एंगल्स इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, और यू कैन से इक्वल टू 180 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ओके, यानी कि यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जैसे हमने क्या पढ़ा था पहले वाले कॉम्प्लीमेंट्री में कि 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, सम ऑफ एंगल्स अगर 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब यह है कि जब सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री, यानी कि जब दो एंगल्स को प्लस करोगे तो उसका जो सम यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो क्या हम कहेंगे उसे, हम उसे कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स. और इसमें भी सेम वही फॉलो होगा, क्या फॉलो होगा, जैसे कि हमने मैंने बताया था कि 90 प्लस 90 कितना होता है, 180 हो गया. मान लो कि आपको एंगल ए 90 दिया हुआ है और आपको कहा गया है कि जो इसका सम ऑफ एंगल्स करोगे तो सप्लीमेंट्री एंगल्स ये बनेंगे. तो आपको फाइंड क्या करना है, एंगल बी, तो एंगल ए जो है मान लो आपको दिया गया है 90 डिग्री, एंगल बी जो है वो आपने कंसिडर किया एक्स और आपको कहा गया है कि ये है सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करते हैं. तो कैसे फाइंड करोगे, इक्वेशन क्या बनेगा, 90 डिग्री है प्लस क्या करोगे एक्स, और ये क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स है यानी 180, तो एक्स. ओके, यानी कि दोनों राइट एंगल्स हैं, 90 डिग्री क्या होता है राइट एंगल्स, तो क्या बोल दोगे आप, देयरफॉर एंगल बी इज 90 डिग्री. हो गया. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, सो आज हम यहीं रुकेंगे और इन द नेक्स्ट वीडियो
जो रिमेनिंग हमारे लेसन में बाकी है हम उसे कवर करेंगे. तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में. टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू.